शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? होती है, बस थोड़ी सी देर की बात है। ये जहर तुम्हें तमाम तकलीफों से छुटकारा दिला देगा, हमेशा हमेशा के लिए। कुंदन, बोलो कौन है मेरी बहन का कातिल? ठाकुर विक्रम सिंह का छोटा भाई। मुझे नहीं, ये नहीं हो सकता कुंदन। ये तुम क्या कह रहे हो कुंदन? ये नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो प्रताप, मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कह रहा हूँ, गुड्डी का कातिल विजय है। आओ खैर तो है विजय जी? जी सब ठीक है दादाजी। क्या ठीक है, तू तो परेशान लग रहा है। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तूने ये हुलिया क्या बना रखा है? वो बाहर बारिश हो रही है ना, इसलिए। जी वो तो दादाजी, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ गया था ना, वहां बारिश हो रही थी। कमाल है, शहर की बारिश कपड़े भी फाड़ डालती है। वो विजय तो अच्छी तरह जानता है कि हमें झूठ से कितनी नफरत है। दादाजी आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं ना। वो वहां मेरा एक दोस्त से झगड़ा हो गया था। बुरी बात है, तू एक अमन पसंद ठाकुर का छोटा भाई है जो अपने इंसाफ से दूसरों के झगड़ों के फैसले करता है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी दादाजी, आई एम वेरी सॉरी। पर दादाजी आप अचानक शहर कैसे आ गए? अरे तुझे लेने आया हूं, बस अब तू चलने वाली बात कर, विक्रम तेरा इंतजार करता होगा। को तो गुड्डी के लिए सुहाग का जोड़ा लाना था। सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता? सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता विक्रम? डोली को कंधा देने का वादा करके अर्थी को कंधा देने आ गए। Thank you.
हौसला रखो, गुड्डी का कातिल बचकर कहीं नहीं जा सकता। मायूस ना हो। मायूसी के इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। मौके का गवाह कुंदन अभी जिंदा है। मुझे बहुत अफसोस है ठाकुर साहब, आप लोगों में से किसी के भी खून का ग्रुप कुंदन के खून के ग्रुप से नहीं मिलता। अगर जल्दी खून का बंदोबस्त ना हुआ तो कुंदन का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंदन कुंदन मेरे ही जिगर का टुकड़ा है, उसे मेरे ही खून और दूध से परवरिश पाई है, फिर मेरा खून उसके खून से अलग कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? माँ जी ये सब तो कुदरत की बातें हैं। माँ बेटी, बाप बेटे, यहाँ तक कि सगे भाइयों के खून का ग्रुप भी अलग अलग हो सकता है। वाह भगवान, तेरे भी खेल निराले हैं। आज जब बेटे को खून की जरूरत पड़ी है तो माँ के खून को पानी से भी सस्ता कर दिया, पानी से भी सस्ता कर दिया है। डॉक्टर साहब, कुंदन के खून का ग्रुप कौन सा है? ओरएच नेगेटिव। ओआरएच नेगेटिव? तो फिर मैं कुंदन को नहीं मरने दूंगा, वो हर हाल में जिंदा रहेगा। कुंदन की जिंदगी तेरी मौत है विजय, तेरी मौत है। कुंदन तुम्हें हर हालत में मरना होगा, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है कुंदन। नायक कुंदन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मरना ही होगा कुंदन, तुम्हें मरना ही होगा। छोटे छोटे छोटे, चल जल्दी से मेरे साथ चल। कहां कहां जाना है भैया? अस्पताल। कुंदन को बचाने के लिए खून की जरूरत है और उसके खून का ग्रुप सिर्फ तुम्हारे खून से मिलता है। मेरे खून से? हाँ हाँ, तुम्हारे खून से। अगर मेरा खून काम आ सकता तो मैं तुम्हें कभी ना कहता। कुंदन का बचना बहुत जरूरी है, एक वही तो है जो हमें गुड्डी के कातिल का नाम बता सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? एक ड्राइवर को मैं अपना खून दूं? सदियों से इन छोटे लोगों का खून पसीना हमारे काम आया है। मैंने तो कभी नहीं सुना भैया कि इन छोटे लोगों के खातिर हम ठाकुरों को अपना खून बहाना पड़ा हो। सदियों पुराना यही कर्ज तो हमें चुकाना है। नहीं भैया, अगर आपको मेरे खून की जरूरत है तो मेरे जिस्म से एक एक बूंद निचोड़ लीजिए, लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों को मैं अपना खून हर। खून किसी छोटे आदमी के रगों में हो या किसी ठाकुर के जिस्म में, उसके रंग में कोई फर्क नहीं होता। और मेरी एक बात कभी नहीं भूलना छोटे, आदमी हवेलियों, जागीरों और दौलत से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसका किरदार बड़ा है, जिसके आदर्श ऊंचे हैं। आओ मेरे साथ। मरीज की जान तो बच गई है लेकिन अभी तक बेहोश है। होश में आने के बाद जैसे ही वो बयान देने के काबिल होगा हम आपको इत्तला कर देंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। ठाकुर साहब, कुंदन की जिंदगी अब खतरे से बाहर है, उम्मीद है कल सुबह तक वो होश में आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत अच्छा हुआ। छोटे छोटे, क्या हुआ? लगता है खून देने की वजह से इसे कमजोरी आ गई है, आप इसे घर ले जाइए, इसे आराम की सख्त जरूरत है। पता, तुम्हें भी आराम की जरूरत है।
तुम भी घर चलो। नहीं, जब तक कुंदन अच्छा होकर मुझे मेरी मंजिल का पता नहीं बता देता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरे बेटे को होश आ गया। नर्स, शुक्र भगवान तेरा। मैं डॉक्टर साहब को बता कर आती हूँ। भाई साहब, he's improving। मैंने कुछ दवाइयां और लिख दी हैं, ये मैं अभी लेकर आता हूँ। तकलीफ हो रही होगी ना? होती है, बस थोड़ी सी देर की बात है। ये जहर तुम्हें तमाम तकलीफों से छुटकारा दिला देगा, हमेशा हमेशा के लिए। Oh, my God.
अच्छा हो तुम आ गए प्रताप, तुम्हारी बहन का कातिल। कौन है मेरी बहन का कातिल? कुंदन बोलो कौन है मेरी बहन का कातिल? ठाकुर विक्रम सिंह का छोटा भाई। नहीं ये नहीं हो सकता कुंदन, ये तुम क्या कह रहे हो कुंदन, ये नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो प्रताप, मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कह रहा हूं, गुड्डी का कातिल विजय है। विजय दादाजी, तेरे कपड़ों पर ताजा खून के ये धब्बे तेरे किस जुर्म का सबूत हैं जिन्हें तू अपने आप से भी छुपाने की कोशिश कर रहा है? दादाजी वो आप खबरदार, मेरे सामने आप कोई नया झूठ बोलने की कोशिश ना करना। एक दिन जहर की बारिश ने तेरे कपड़े फाड़ डाले थे, आज कौन सा तूफान आया है जिसने तेरे गिरेबान को खून में डबो दिया? दादाजी शायद आपको कोई गलत किसी गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे जुर्म की कड़ियां अपने आप कुछ इस तरह मिल रही हैं कि उस दिन शहर में पड़ने वाला शक आज यकीन में बदल गया है कि हो ना हो प्रताप की बहन का कातिल तू ही है। नहीं दादाजी भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। याद रख, अगर ये मुकदमा तेरे बड़े भाई विक्रम की अदालत में पहुंच गया तो उसके सामने तेरा ये झूठ एक पल भी अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तू अपने जुर्म का इकरार मेरे सामने कर ले। ठीक है मत बोल, विक्रम खुद तेरी जबान खुलवा लेगा। दादाजी गुड्डी का खून मेरे हाथों से हुआ है। कमबख्त तूने ये क्या किया, सात घर तो डायन भी छोड़ देती है, तूने उस मासूम की जान ले ली जिसे तेरा भाई अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझता था, सगी बहन समझता था। अरे तेरी रगों में तो इंसाफ पसंद ठाकुरों का खून है, फिर तूने ये कमीनी हरकत कैसे की? कैसे की कमीनी हरकत कैसे की? तूने हमारी सात पुश्तों की कमाई हुई इज्जत और शराफत के मुंह पर कालक मल दी। कालक मल दी। खैर तूने अपने एक जुर्म का इकरार तो किया है, अब ये भी बता दे कि आज तू किस बदनसीब की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा कर आया है? उस मौके के गवाह कुंदन का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने अपने जुर्म का एक गवाह खत्म करके दूसरा गवाह पैदा कर लिया, या तो अब तुझे मेरा भी खून करना पड़ेगा या फिर अब तेरी उतनी ही सांसें बाकी हैं जितने कदम मुझे चलकर विक्रम के पास पहुंचने में लगेंगे। जाइए दादाजी, बड़े शौक से जाइए, मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगूंगा। जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए। जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए। मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। रुक क्यों, जाते क्यों नहीं दादाजी? अगर जाने से पहले मेरी एक बात और भी सुनते जाइए, मुझे अपने इंसाफ की बेदी पर बलि चढ़ाने के बाद सात पुश्तों से इंसाफ करने वाला आपका यह खानदान सिर्फ दास्तानों में रह जाएगा दादाजी, सिर्फ दास्तानों में। हे भगवान, तूने ही आज के इम्तिहान में डाल दिया। काश हम ये दिन देखने से पहले मर गए होते, अपनी नस्ल का नाम जिंदा रखने के लिए
आज हम अपने ही हाथों से अपनी सच्चाई का गला घोंट देंगे। दूर हो जा हमारी नजरों से। हमारी जिंदगी के पहले और आखिरी झूठ के गवाह दूर। प्रताप सिंह के आदमी आपके लिए पैगाम लेकर आए हैं। विक्रम सिंह, ये कफन लेकर मैं खुद हाजिर होता अगर मुझे तुम्हारे इंसाफ पर भरोसा न होता। मेरी आंखों में बरसों पुरानी दोस्ती का लिहाज न होता और मुझे इस बात का यकीन न होता कि मेरी बहन का कातिल से बदला लेने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन तुम हो। कुंदन मर चुका है ठाकुर विक्रम सिंह, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि मार दिया गया है। मगर मरने से पहले उसने अपनी जुबान से मुझे गुड्डी के कातिल का नाम बताया है। उसका नाम है विजय सिंह। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई ठाकुर विजय सिंह। अब ये फैसला मैं तुम्हारे इंसाफ पर छोड़ता हूं। ये कफन विजय सिंह को तुम पहनाओगे या मैं, लेकिन साथ ये भी याद रखना कि मेरा इंतकाम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। छोटे! बोलता क्यों नहीं? गुड्डी का खून तूने किया है? नहीं भैया, मैंने नहीं खून किया भैया। गुड्डी का खून किसने किया है? सच बोल! मैं सच सुनना चाहता हूं, सिर्फ सच। क्या कर रहे हो विक्रम? दादाजी मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। कौन सा सच? क्या किया है इसने? इसने प्रताप की बहन गुड्डी का खून किया है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पूछता हूँ, कौन कहता है इसने गुड्डी का खून किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? कुंदन, कुंदन ने मरने से पहले ये बात प्रताप से कही थी। और कुंदन? वो टैक्सी ड्राइवर? जी हाँ। कमाल है, प्रताप के साथ साथ तुमने भी एक नीम पागल की बात का विश्वास कर लिया। क्या मतलब? अरे उसे तो हर आदमी अपनी बहन का कातिल नजर आता। भूल गए तुम, एक बार तुम खुद उसे जमानत पर छोड़ा कर लाए थे। कमाल है, भगवान ने तुम्हें सच और झूठ पर रखने वाली आंख दी, पर तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके कि कुंदन ने मरने से पहले छोटे का नाम क्यों लिया। वो तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि तुम उसकी बहन के कातिल को ढूंढ कर सजा नहीं दिलवा पाए। इसके अलावा तुम ये भी भूल गए कि छोटे ने अपने जिस्म का आधा खून देकर कुंदन की जान बचाने की कोशिश की। तुमने प्रताप की बात पर तो फौरन यकीन कर लिया, लेकिन हमसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं समझी। फिर भी मैं ठाकुर जोरावर सिंह, जिसने जिंदगी भर सच का पहरा दिया, इस बात की गवाही देता हूं कि विजय बेगुनाह है, बेकसूर है। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि खून छोटे ने नहीं किया? तुम्हें याद है वो कत्ल किस दिन हुआ था? अच्छी तरह याद है, भला मैं उस मनुष्य दिन को कैसे भूल सकता हूं? तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि उसी दिन हम छोटे को लेने शहर गए थे और तुम खुद हमें स्टेशन पर छोड़कर आए थे और शाम को हम दोनों इकट्ठे घर वापस आ गए। छोटे पर इल्जाम लगाने का कहीं तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कि तुम्हारी नजर में हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक थे? वो कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ और हम चुपचाप खड़े ये जुर्म देखते रहे?
अगर अब भी छोटा तेरी नजर में मुजरिम है तो फिर ये भी कह दे कि हमारी सच्चाई पर से भी तेरा विश्वास टूट गया है। नहीं दादाजी नहीं, मैं अपने आप पर तो शक कर सकता हूं लेकिन आपकी सच्चाई पर नहीं। आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।